ऋतिक के बाद अब सनी लियोनी बोलेंगी भोजपुरी। बोली, साड़ी पहनकर फ्रेश महसूस होता है। ऋतिक रोशन को आपने सुपर 30 में बिहार की भाषा बोलते देखा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा अपनी अगली फिल्म जबरिया जोड़ी में पटनैया बोलते देखेंगे। अब डिजिटल सनसनी सनी लियोनी भी भोजपुरी बोलने जा रही हैं। सनी लियोनी सिर्फ भोजपुरी बोलेंगी ही नहीं, अपनी एक नई फिल्म के लिए वे ठेठ भोजपुरी अंदाज में भी दिखने वाली हैं 6 गजा साड़ी पहनकर। प्रसाद टटकेनी के निर्देशन में बन रही हॉरर कॉमेडी फिल्म कोकाकोला की शूटिंग इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में चल रही है। सनी लियोनी हापुड़ के आम के बागान में भी हो आई हैं और इन्हीं बाग बगीचों में इस फिल्म का पूरा भूगोल बनाया जा रहा है। फिल्म के लिए सनी ने अपने वेस्टर्न लुक को पूरी तरह त्याग दिया है। अपने इस डी ग्लैम अवतार की फोटो भी सनी ने अमर उजाला के साथ साझा की है। सनी खुद भी अपने इस अवतार को लेकर बहुत उत्साहित है। वह कहती हैं, आमतौर पर फिल्मों में मुझे मेरे प्रशंसक वेस्टर्न कपड़े ही पहनते देखते आए हैं। मुझे भारतीय साड़ी शुरू से पसंद रही है। शीशे के सामने खुद को साड़ी में देखना हमेशा मुझे एक नए जोश से भर देता है। देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से मेरे स्टाइलिस्ट ये साड़ियां लेकर आए हैं और ये मेरे ऊपर खूब फब भी रही हैं। फिल्म कोकाकोला में सनी लियोनी के साथ मशहूर अदाकारा और मॉडल मंदाना करीमी भी हैं। अपने इस रोल के लिए सनी ने भोजपुरी की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। इस बारे में चर्चा चलने पर सनी ने कहा, दर्शक मुझे जल्द ही फिल्म कोकाकोला में एक नए अवतार में देखेंगे, तो इसके लिए मैंने पूरी तैयारी की है। भोजपुरी की तो मैंने खास और से ट्रेनिंग भी ली इस रोल के लिए।